राम तू ते गया तमाम प्रभावशामी नशियावे ज्ञानम गानम शैता यद ज्ञातवा मुक्ता से शुभात क्या कहते हैं अर्जुन से ये अर्जुन जो मैंने ज्ञान दिया उस ज्ञान का जानकर साले कलेश से मुक्त हो जाओगे। आप भी भगवत गीता जानिए और सारे कलेश से मुक्त हो जाइए। भागवत जो जब पेट में था इसकी माता के तो पूरी भागवतम 18,000 श्लोक उन्होंने पढ़े। राधे राधे मैं हूँ सौरभ। कहते हैं जैसे माँ बाप के संस्कार होते हैं उसी प्रकार के उनके बच्चों के भी संस्कार होते हैं। हमारे साथ हैं भागवत के पिता, भागवत वो बच्चा जिसने ABCD का मतलब ही बदल दिया था। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे श्याम, हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या नाम है आपका? मेरा दीक्षित नाम अकाम भक्ति दास है, दीक्षा के बाद नाम बदल जाता है। वैसे आदित्य शर्मा नाम था पहले। रोजी आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शिक्षा की बात करें तो क्या शिक्षा की आपने? मैं वैसे जयपुर का रहने वाला हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग तो जयपुर से ही करी और मैंने अपना कॉलेज इंजीनियरिंग करी, MTech किया, वो मैंने अपना SRM यूनिवर्सिटी मोदी नगर में, चेन्नई का कैंपस है, वहीं से ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी। अब पढ़ाई करने के बाद कहाँ जॉब लगी आपकी? एक्चुअली क्या है कि मेरा मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया था जिसके अंतर्गत मतलब वो लोग चार, एक ओशियन शिप मैरिटाइम कंपनी थी, उन्होंने मुझे मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट किया था और वो चाहते थे कि भाई मैं कैप्टन बनूं। और उन्होंने देखा कि जब मैंने इंटरव्यू दिया उनको लगा कि ये बहुत ही मतलब व्यक्ति ऐसा है कि इसको डायरेक्ट कैप्टन बना सकते हैं और उन्होंने मुझे 10 लाख रुपीज़ पर मंथ का पैकेज भी देना चाहा। पर केवल फिर मैंने देखा, मैंने हमारे शिक्षा गुरु से हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी से, उन्होंने भगवत गीता के नॉलेज के बारे में बताया, उन्होंने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम उसके बारे में नॉलेज बताई कि भाई ये शास्त्र क्या होते हैं, लाइफ कैसी होती है, कि क्या केवल आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना सोना बच्चे पैदा करना बचाव करना, केवल यही जीवन नहीं है, ये तो एक जानवर भी कर रहा है, एक जानवर भी खाता है, वो भी सोता है, वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, वो भी बचाव करता है। अगर हम भी इन चार चीज़ों के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर क्या हम तो जानवर से बेहतर थोड़ी हुए, हम भी जानवर ही हुए। तो मनुष्य में ऐसा क्या डिफरेंस है वो मैंने समझा कि धर्म ही एक विशेष है, धर्म ही एक विशेषता है, धर्म ही ना थे पशु भी समाना, अगर व्यक्ति धर्म से हीन है ना तो वो पशु के समान। तो आज जितने भी आप लोग देख रहे हैं, चाहे कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, परंतु अगर उनके जीवन में धर्म नहीं है ना तो वो पशु के समान ही हैं। फ़र्क क्या है, कुत्ता कहीं भी खा लेता है और एक व्यक्ति जो पैसे वाला है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाता है, प्रक्रिया तो सेम है ना खाने की, पेट तो भरना है उसका भी और उसका भी, परंतु मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो जानवर नहीं कर सकता और हम कर सकते हैं, हर मनुष्य कर सकता है, वो है मनुष्य ये प्रश्नों का उत्तर जान सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं जन्म से पहले कहाँ था, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, आज मेरे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, टेंशन क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, कैसे मैं इन सब चीज़ों से उभरूँगा, तो ये चीज़ है। तो आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आया, आपकी शिक्षा इंजीनियरिंग की लेकिन आप भक्ति के पथ पर कैसे चल पड़े? एक्चुअली जब मैं 12th क्लास में था तब मेरी मदर को किसी ने बताया कि भाई एक गुरुजी हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, उनका 7 डेज का भगवद गीता का लेक्चर है तो उसके अंदर आप जाइए। तो उस वक्त फ्रेंडशिप्स डे था, मेरी मदर ने मुझे बताया कि एक गुरुजी हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, वो आए हुए हैं हमारे टाउन में जयपुर में, तो उनका एक लेक्चर था। तो मेरी मदर ने कहा मुझे वहाँ पे जाना है, मैं चाहती हूँ तुझे भी मैं लेकर जाऊँ, क्योंकि स्कूल लाइफ में मैं बहुत बदमाश था, हर व्यक्ति होता ही है, पर मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या था, मैं जो भी बदमाशी करता था मैं पकड़ा जाता था, तो उससे मुझे टेंशन होती थी कि अगर कोई मान लो बदमाशी करे और वो पकड़ा ना जाए, बच जाए, तो वो करता रहता है, परंतु मेरे साथ क्या था, मैं जो करता था मैं पकड़ा जाता था, तो मुझे स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाता था, तो ये सिचुएशन होती थी। पर फिर क्या हुआ कि जब 12th क्लास होने के बाद मेरी मदर जो है वो मुझे लेकर गई गुरुजी के पास, तो इंटरेस्ट मेरा था नहीं जाने का, मुझे स्पिरिचुअलिटी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पर उस दिन फ्रेंडशिप डे था, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहता था, तो मेरी मदर ने कहा कि मेरे को छोड़ ही देना,
मुझे वहाँ पे छोड़ ही देना। तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ दूंगा आपको। तो हुआ क्या, मैं गया मेरी मदर को, मैंने उनको छोड़ दिया, वो अंदर चली गई जहाँ लेक्चर चल रहा था। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ आप लोग, फ्रेंडशिप से था, घूमने जाना था। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि ठीक है हम आते हैं, तू वेट कर। हुआ क्या, कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनकी गाड़ी पंचर हो गई प्रभु। अच्छा, वो उनकी गाड़ी पंचर हो गई, वो पहुँच नहीं पाए। मेरी मदर बाहर आई, मेरी मदर ने कहा तू अभी तक यहीं बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है, अंदर ही बैठ जाए जब तक तेरे दोस्त आते हैं। मैंने कहा ठीक है बैठ जाता हूँ। तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, बाद में वो मेरे शिक्षा गुरु बने। अब अभी तो मुझे तो अनजानी व्यक्ति थे उस दिन, तो जब मैंने 2 अगस्त 2009 की बात है, तो मैं जब बैठा, उन्होंने जिस प्रकार वो लेक्चर दे रहे थे, जो बातें वो कह रहे थे, उन्होंने मतलब अंदर से निकाल कर बाहर रख दी हमारी असलियत, स्पेशली मेरी असलियत, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये भगवद गीता की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, हर मनुष्य को ये लेनी चाहिए। फिर मैं उस पथ पे चला, फिर मैंने अपने शिक्षा गुरु जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम करो इंजीनियरिंग करो। मर्चेंट नेवी का भी ऑफर आया था, पर वो फिर कॉलेज के बाद आया था, पर फिर मैंने उसमें परस्यू नहीं किया, क्योंकि मैंने मुझे ये लगा कि क्या करना, मतलब ठीक है दो रोटी तो पानी है, एक जो पैसे वाला आदमी वो भी दो रोटी में खुश रहता है और हम भी दो रोटी में खुश रहेंगे। ये हुई आपकी बात। अब ये बताइए, आपका बेटा भागवत है, उसे आपने ऐसे संस्कार कैसे दिए और इतना सब कुछ कैसे सीख पाए हो? देखिए ऐसा है, भागवत क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही जो हमारा इंस्टीट्यूट है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, उनसे हम जुड़े रहे। मैं 2013 में फुल टाइम आ गया था, पूरी तरह मैंने अपना जीवन इसी में दे दिया था। फिर मेरी मैरिज हुई, तो हमने यही था कि अगर बच्चा होना है तो ऐसा होना चाहिए कि वो कृष्ण भगवान का भक्त हो, क्योंकि रामायण में आता है कि वो स्त्री बांझ ही सही अगर वो एक भक्त को न जाने, वो स्त्री बांझ ही सही, उसको बच्चा ही ना हो चाहे से, अगर वो भक्त जन्मे तो ही बच्चा हो, नहीं तो बच्चा ही ना हो, तो ऐसा बच्चा क्या है, बोझ है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, आज आप देख लो यंगस्टर क्या कर रहा है बड़ा होके, जो क्या कर रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, तो इसलिए हमने बचपन से, यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि माँ के गर्भ से ही जो होता है बच्चे की शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए, तो वही हुई। तो जब भागवत एक्चुअली उससे पहले होता है गर्भदान संस्कार, उसमें क्या होता है कि हम जाते हैं, पति पत्नी जाते हैं गुरु के पास आशीर्वाद लेने कि भाई हम एक संतान को जन्म देना चाहते हैं जो कि भक्ति करे कृष्ण की, तो वही हुआ। तो हमने गुरु से प्रार्थना करी, गुरु ने हमें आदेश दिया कि ठीक है आप प्लान कर सकते हो, तो हमने भागवत को प्लान किया। और भागवत के जब पेट में भी भागवत जो जब पेट में था इसकी माता के, तो पूरी भागवतम 18,000 श्लोक उन्होंने पढ़े, तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ा। फिर मंदिर जाते थे, मंदिर जाते दर्शन करते भगवान के, लेक्चर सुनते थे, माला जाप करते थे, डेली 16 माला करते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र बताया गया है कलयुग के लिए, तो ये महामंत्र जपते थे। तो इस तरह का जब माहौल मिला उसको, तब वो जब बाहर भी आया तो भी उसने बचपन से यही माहौल देखा, तो धीरे धीरे कृष्ण और प्रभुपाद जी की और हमारे शिक्षा गुरु की कृपा से ये आपके सामने है। तो सब उसी का रहा कि इनकी जब गर्भ में थे तो इनकी माता जी ने सब कुछ भागवत पढ़ी, गीता पढ़ी, तो उसी से सब कुछ ये सीख पाए, मतलब बिल्कुल। अब बताइए कि आपने इनको ABCD कहाँ से सिखाई, मतलब ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, क्योंकि हर बच्चा सीखता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो कैसे? हमारे गुरुकुल में यही शिक्षा दी जाती है। एक्चुअली हमारा जो गुरुकुल है उसमें स्पेशली फोकस किया जाता है कि बच्चे को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनाना है अल्टीमेटली, ठीक है, उसको मतलब वो नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह केवल जो पढ़ाई होती है केवल वो ना पढ़े और उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे। गुरुकुल में यही होता था पहले, परंतु जब लॉर्ड मैकोले आए, ब्रिटिश वॉइसरॉय आए, उन्होंने सारा का सारा चेंज कर दिया। जब वो आए उन्होंने कहा था कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज़ अ बैगर और अ थीफ, कि मैंने पूरे भारतवर्ष में घुमा हूँ पर मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि भिखारी हो या चोर हो। उन्होंने कहा कि इस कंट्री में इतनी हाई मॉरल वैल्यूज़ है, क्या कैलिबर है इस कंट्री के लोगों का कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम इनको कॉन्कर कर सकते हैं।
पर उन्होंने क्या कहा, जब तक हम इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, इनका गुरुकुल सिस्टम नहीं तोड़ देते, तब तक हम इन पे कॉन्कर नहीं कर सकते। और वही हुआ, उन्होंने वो आए और उन्होंने हमारे सारे गुरुकुल तहस नहस कर दिए, हमारे सारे नालंदा तक्षशिला में तो आग ही लग गई थी। तो ये सारी चीज़ों उन्होंने क्या किया, ये सब उन्होंने नाश कर दिया और अपनी गुरु जो अपनी शिक्षा पद्धति इंग्लिश शिक्षा पद्धति है उसको लागू कर दिया। तो अभी जहाँ पर भी जो भी स्कूल्स चल रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आध्यात्मिक पढ़ाई थोड़ी पढ़ाई जा रही है, केवल भौतिक पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, केवल भौतिक पढ़ाई। और वो भौतिक पढ़ाई यही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें पैसा कैसे कमाना है, बस और कुछ नहीं है, कोई संस्कार नहीं, कोई उपकार नहीं, कुछ नहीं, केवल पैसा पैसा पैसा। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, आज बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप सड़ रहे हैं या बच्चा आराम से अमेरिका में घूम रहा है, यही तो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि माँ बाप ने शिक्षा ही नहीं दी ऐसी। तो हर माता पिता से हमारी यही प्रार्थना है कि वो पहले खुद इस ज्ञान को जानें और फिर अपने बच्चों को भी ये ज्ञान दें, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो आज माता पिताओं के साथ हो रहा है, वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है उनको बस। अब ये बताइए कि आपने भागवत को अब क्या सिखाया है नया, जो आप इनसे पूछ सकते हैं कुछ? भागवत को तो हम हर मतलब दिन इसका सीखने का ही दिन होता है, क्योंकि एजुकेशन तो बिल्कुल रेगुलर रूप से चलनी चाहिए। तो हम अलग अलग भगवत गीता के श्लोक, श्रीमद् भागवतम के श्लोक वगैरह सिखाते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करना उसके बारे में इनको बताते हैं, कुछ भगवान की जो कहानियाँ हैं स्टोरीज़ हैं उनके बारे में हम इनको बताते हैं। जैसे अभी गजेंद्र जी की स्टोरी स्पेशली अभी उसने याद करी है, सुनाइए। पहले कीर्तन करें या पहले इनसे पूछें? कीर्तन कर लीजिए, पहले कीर्तन कर लेते हैं। आपको कौन सी पोयम याद है? कृष्णा 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 रश्मिया मिटिंग मदर नामिया टेलिंग लाई नामिया अपन माउथ हा। और गजेंद्र वाली? एक बार गजेंद्र पानी पीने गया था, उसका पानी में प्रकृदन मिला, फिर प्रकृदन ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था, उसको बहुत दर्द हो रहा था। गजेंद्र ने विष्णु जी को याद करा कि मेरी रक्षा करो, फिर आ गए। फिर गजेंद्र ने विष्णु जी को फूल दिया, क्रोकोडाइल ने फिर विष्णु जी ने क्रोकोडाइल का गला काट दिया, फिर वो ठीक हो गया। आपने हाथ क्यों पकड़ा है? आपका
मैं भक्तों के हाथ पकड़ता हूँ। तो कृष्णा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है? हाँ। आते हैं कृष्णा आपसे मिलने, आते हैं कभी? नहीं। हैं? हाँ। आते हैं? हाँ। अब ये बताइए, भगवत गीता का आपको कौन सा श्लोक याद है? इदं तुते गयतवं प्रवक्ष्यामि नश्यवे ज्ञानं मुग्धानं चेतः यद् ज्ञात्वा मुक्तस्य सुभाः। कृष्णा क्या कहते हैं? कृष्णा कहते हैं अर्जुन से, ये अर्जुन जो मैंने ज्ञान दिया उस ज्ञान को जानकर सारे कलेश से मुक्त हो जाओगे। फिर आप भी भगवत गीता जानिए और सारे कलेश से मुक्त हो जाइए, क्योंकि तादत कम तेज जाइए भगवत गीता जानिए। हरे कृष्णा हरि बोल। भागवत ये बताइए, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? संसार की जेल से बंद हो जाएंगे। अगर भक्ति करेंगे तो फिर संसार की जेल से बाहर आ जाएंगे। तो सभी को भक्ति करनी चाहिए? हाँ। कैसे भक्ति करनी चाहिए? माला करके और आरती करके, गीता का प्रचार करके, gita.com। आप करते हैं प्रचार? हाँ करता हूँ मैं तो। और ये आपने जो गले में कंठी पहनी हुई है, माला पहनी है, क्या पहना हुआ है? ये लॉक, नरसिम्हा का लॉकेट। अच्छा, किसने पहनाया था नरसिम्हा का लॉकेट? किसने पहनाया था ये? मम्मा ने। तो इससे क्या हुआ, कैसा लगता है इसे पहन के? अच्छा लगता है। नरसिम्हा कौन है? हाँ, नरसिम्हा कौन है? भगवान है। क्या किया था नरसिम्हा ने? नकशिपु का पेट फाड़ दिया था। गंदा था वो, माला नहीं करता था, भक्तों को तंग करता था, प्रहलाद को मार देता था, इसलिए इसका भगवान ने मारने आए, ऐसे पेट फाड़ दिया नकशिपु का। आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, अब ये बताइए जो और जो बच्चों के माता पिता हैं उनसे आप क्या कहेंगे, किस तरीके से उन्हें अपने बच्चों को रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब तक संग नहीं होता ना तो शक्ति नहीं होती, अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है ऐसा, कहीं स्कूलों में गीता पढ़ाई नहीं जा रही है ना। तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। दो चीज़ें हैं, माता पिता को भी भक्त बनना पड़ेगा, उनको भी ये शिक्षाएँ लेनी पड़ेगी, तभी वो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे तो कॉपीकैट होते हैं, आप हाथ जोड़ोगे वो भी हाथ जोड़ेंगे, आप प्रणाम करोगे वो भी करेंगे, आप गीता पढ़ोगे वो भी पढ़ेंगे, आप माला करोगे वो भी माला करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो वो भी कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए दो चीज़ें हैं, सबसे पहले हर माता पिता को हम ये एडवाइस देना चाहते हैं, हमारा फ़ायदा उठाइए। हमारे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने 13 घंटे का भगवद गीता का एक कोर्स डिज़ाइन किया है। अब देखो, किताब को पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि संस्कृत भी होती है भगवद गीता में, तो इसलिए हमने क्या 13 घंटे का एक कोर्स बनाया है, उसके अंदर पूरी भगवत गीता को सरलता से समझाया, साइंटिफिकली लॉजिकली तर्कों से समझाया कि गीता को कैसे आप लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे और भगवत गीता क्या है उसको कैसे समझें, बहुत ही सरलता से उन्होंने समझाया। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाइए और givegita.com टाइप करिए, या फिर 7210082100 इस नंबर पर आप लिख कर दीजिए, व्हाट्सएप करिए कि हमें गीता का फ्री कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उस कोर्स को आप सुनिए, वो पेरेंट्स के लिए है। और बच्चों के लिए क्या है कि आप बच्चों को, हमारा जो गुरुकुल है, हमारा ऑनलाइन गुरुकुल चलता है, जिसमें हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षाएं देते हैं, कहीं पर भी हो आप, चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं जो ये शिक्षाएँ ले रहे हैं। हमारा तो कार्य है फ्री शिक्षा देना प्रभु जी, हम कोई इसके लिए चार्ज नहीं करते। तो इसलिए आप अपने बच्चों, हम उसी नंबर पर 7210082100 नंबर पे आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए कि मुझे अपने बच्चे को गुरुकुल शिक्षा देनी है, तो हम उनको जो हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति चल रही है हम उनको उसमें जोड़ लेंगे। आप जहाँ भी हो आपको ऑनलाइन डेली बच्चों को सीखने को मिलेगा। मतलब देखो, स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है आप पढ़िए, हम नहीं कह रहे आप स्कूल से हट जाइए, ठीक है, दोनों ज्ञान ज़रूरी है, हम इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करते, दोनों ज्ञान ज़रूरी है, शरीर का भी ध्यान रखना है, परंतु शरीर के अंदर जो आत्मा हो, जो आप हो, उसका भी तो ध्यान रखना है। बिल्कुल, नहीं तो ये शरीर क्या क्या काम का है बताओ। तो ये दो चीज़ें हैं, इसका बहुत ज़रूरी ध्यान रखें आप अपने आप। आपको हम फिर कोई क्वेश्चंस भी होंगे आपके तो हम आपसे उत्तर करेंगे ना, हम आपका, आपकी हेल्प करेंगे पूरी हम।